Hi guys, welcome or welcome back to my channel. It's Divya here. If you are new to my channel, please subscribe to my channel. और आज का हम ये क्लीन मेकअप लुक करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लेके अपने फेस में अच्छे से लगा लिया है ताकि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे और नेचुरली ग्लो करे। ये मैं अपने फेस नेक में अच्छे से लगा के उसे एब्जॉर्ब होने दूँगी एक मिनट तक। उसके बाद मैंने अपने एग्जैक्ट शेड का इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर लिया है जो सन बेज शेड में है, और उसे अपने अंडर आईज और डार्क स्पॉट जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। उसके बाद मैं अपने आईज़ में भी अप्लाई कर लूँगी ताकि जो डार्क सर्कल है वो हाइट हो जाए। उसके बाद मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का ब्यूटी ब्लेंडर लेके जो वेट है उससे धीरे धीरे डैप करते हुए उसे अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि मेरे फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ सके और हमारा फेस स्पॉटलेस दिखे। धीरे धीरे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अपने नेक और पूरा फेस में जो भी कंसीलर लगाया था उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद अब मैंने लैक्मे का कॉम्पैक्ट लेके ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही टैप करते हुए अपने अंडर आईज में लगाया है ताकि हमारे डार्क सर्कल हाइट हो जाए, और ऐसे ही मैंने अपने पूरे फेस को सेट कर दिया है ताकि हमने जहाँ भी कंसीलर लगाया था और जहाँ नहीं लगाया था वो इवन टोन दिखे और कहीं डार्क सर्कल या डार्क स्पॉट ना दिखे, फेस हमारा फेस इवन टोन हो जाए। उसके बाद मैंने ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर लिया है जो हनी ब्राउन शेड में है और उससे अपने आईब्रो को फिल कर लिया है ताकि हमारे आईब्रो नेचुरली फुलर दिखे। और उसके बाद फिर मैंने होली की हेल्प से धीरे धीरे करते हुए अपने आईब्रो के हेयर को सेट किया है। अब मैंने स्टे क्विक का ब्राउन काजल लेके अपने आईज में लाइनर जैसा लगा लिया है। मैंने विंग लाइनर लगाया है, आप चाहे तो नॉर्मल भी लगा सकते हैं। यही मैं अपनी दोनों आँखों में लगा लूँगी ब्राउन काजल की हेल्प से। उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लेके अपने कॉर्नर्स ऑफ लाइनर को थोड़ा पॉइंटेड किया है और पूरे आईलाइनर को स्मच किया है ताकि हमारा जो भी लाइन था वो हार्श ना दिखे और हमारा आईलाइनर सॉफ्ट और क्लीन दिखे। उसके बाद मैंने अपने आईलाइनर को स्मच करने के बाद अपने वाटर लाइन में भी हल्का सा ब्राउन काजल लगाया है ताकि हमारा आई लुक फिनिश हो जाए। ये ऑप्शन है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं या फिर आप ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्राउन कलर के लिप पेंसिल से जो आई मैजिक की है उसका शेड टेडी है उससे अपने लिप को लाइन किया है। उसके बाद मैंने नीविया का लिप बाम लेके अपनी लिप्स में लगा लिया है। आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और यही मैंने अपने चीक्स में लगाया है ताकि हमें नेचुरल ग्लो मिल सके। उसके बाद मैंने मेबलिन का मस्कारा लेके जिगजैग करते हुए अपने आईलैशेस में लगा लिया है, अपर लैशेस में भी और लोअर लैशेस में भी, ताकि हमारी आईज बड़ी दिखें। धीरे धीरे करते हुए एक लेयर को ड्राई होने के बाद मैं दूसरा लेयर लगा लूँगी मस्कारा का। उसके बाद मैंने शुगर का कॉन्टोरिंग पैलेट लेके अपने फेस को पहले कॉन्टोर किया है, अपने नोज को भी कॉन्टोर किया। उसके बाद मैंने ब्लश लेके जहाँ हमने लिप बाम लगाया था वहीं पे हम ब्लश लगाएंगे। उसके बाद मैंने हाइलाइटर अपने नोज की ब्रिज और चीक बोन्स में हाइलाइटर लगाया है ताकि मेरा फेस में नेचुरल ग्लो आए और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। के साथ हमारा ये क्लीन मेकअप लुक रेडी है। होप यू लाइक दिस मेकअप लुक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई मेकअप वीडियोज़।